मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। डियर स्टूडेंट्स, नेम से ही काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं हमें। थर्मो स्टैंड हियर फॉर हीट, डायनामिक्स सिंपली टेकन फ्रॉम मैकेनिक्स। स्पेशली हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से हीट को वर्क डन में या वर्क डन को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 12 पीरियड्स हम लोगों के इसमें लगेंगे। मास की बात अगर हम लोग करें तो 6 मास का कंटेंट है। जनरली जो पीरियड होता है हम लोगों का 35 मिनट्स का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ जो क्लास कंटेन करते हैं अप्रोक्सीमेटली 45-50 मिनट्स की करते हैं। तो आई होप सो 4 या 5 या 6 क्लासों में मैक्सिमम ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा या हो जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं छोटी सी काउंसलिंग और करना चाहूंगा आप लोगों की। देखिए, 1 आवर की या जो 50 मिनट्स की जो हमारी क्लास होती है, ये अपने आप में काफी वर्थ रखती है। और इस एक क्लास को कंप्लीट करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 3 आवर्स की करनी चाहिए, या मैं ऐसा कहूं कि 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी अगर आप इस क्लास को लेने के बाद करेंगे तब आप इस क्लास को परस्यू कर पाएंगे या इस क्लास के कंटेंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को आप लोग कर पाएंगे, जिसमें आपके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं, क्लास को ऑब्जर्व करना हो सकता है, क्वेश्चन एयर हो सकती है, व्हाटएवर, सारी की सारी चीजें। एज यूजुअल, जब भी कोई नई यूनिट हम लोग शुरू करते हैं या नया चैप्टर शुरू करते हैं तो हम लोग सिलेबस के बारे में बात करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों को पढ़ना है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। किन्हीं भी दो बॉडीज को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी कह सकते हैं जब उनका टेम्परेचर सेम हो। टेम्परेचर की डिफाइन भी हम लोग यहीं से देंगे। वैसे तो टेम्परेचर की डिफाइन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में टेम्परेचर की डिफाइन यहां देना चाहेंगे। जीरोथ लॉ, ये जीरोथ लॉ सिंपली टेम्परेचर को ही डिफाइन करता है। जीरोथ नाम हम लोगों ने इसको इसलिए दिया क्योंकि ये फर्स्ट लॉ के बाद में आया। हीट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, वर्क के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। डिस्ट्रेस ब्रीफिंग में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई गैसेस स्टेट का सिस्टम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है जो कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाटएवर, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम हो सकती है, एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। इनकी अपनी कोई भी पोटेंशियल हो सकती है। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ नेगेटिव होगी, लेकिन और किसी कारण से अगर पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो सकती है तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी के सम की बात करेंगे। देन आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, FLTD के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम लोग ब्रीफ करना चाहें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जैसे हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बर्नौली थ्योरम में पढ़ा था फ्लूइड्स के लिए, वैसा ही कुछ यहां भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी हम लोग वर्क डन करते हैं वो दो काम कर सकता है, या तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है या फिर कुछ हीट डेवलप हो सकती है, या हम किसी सिस्टम को हीट अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो दो काम कर सकता है, या तो वर्क डन कर सकता है। वर्क डन का कॉन्सेप्ट वही मैकेनिकल होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम को लेकर के होगा, अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बताएंगे। इंटरनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, या व्हाटएवर सो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। तो यही दो काम हो सकते हैं। तो अगेन FLTD जो होता है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर के या कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन को ही लेकर के है। अब सिस्टम या प्रोसेसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आइसोथर्मल, आइसो बोले तो सेम टेम्परेचर, ऐसे प्रोसेस जिनमें टेम्परेचर सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाते हैं, जस्ट लाइक एडियाबेटिक प्रोसेसेस की बात हम लोग करेंगे। देन आफ्टर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिकली हम लोगों को डिस्क्राइब करता है हीट इंजन को या प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन को लेकर के। रेफ्रिजरेटर की बात भी हम लोग इसी के अंदर करेंगे।
जो हीट इंजन होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, या वट एवर्स हो, जो प्रोसेसेस हो सकते हैं वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन यही देने वाले हैं। लास्ट हम लोगों का टॉपिक यहाँ पे आता है इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल की बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब यहां से रिलेटेड अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूं, एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं, तो बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, मैंने यहाँ कुछ मेंशन भी नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी स्कोप यहां हर जगह पर है। हम लोग कोई भी एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट दे सकते हैं, एक कंपेरिजन मेथड हम लोग दे सकते हैं, किस किस का, डीजल इंजन का, पेट्रोल इंजन का, सीएनजी पीएनजी इंजन का, व्हाटएवर सो, उसमें भी टू स्ट्रोक इंजन आ जाते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन आ सकते हैं। तो बेसिक हम लोगों का यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग एक कंपेरेटिव स्टडी जरूर दे सकते हैं, और उसके बिहाफ पर कहीं ना कहीं हम लोग एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आई होप सो आप लोग बनाएंगे। अब मैं यहां बात करना चाहूंगा थर्मोडायनेमिक्स की डिफाइन से शुरुआत करते हुए। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है क्या, जैसा मैंने अभी बताया था, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज, अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अभी तो सर 2 मिनट पहले कुछ और बता रहे थे, हाँ बिल्कुल, जो 2 मिनट पहले बता रहे थे उसको अब बता रहे जा रहा हूं मैं। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, एज वेल एज इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट का डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी में कन्वर्ट होना, डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी में भी स्पेशली हम लोग यहां पे वर्क डन की बात करेंगे। तो नो डाउट ब्रीफिंग में जैसा मैंने कहा कि हम लोग हीट को किस तरह से वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वर्क को किस तरह से हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोगों को डिस्कस करना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन आस्पेक्ट जो है वो यही है जो हमें यहां पर पढ़ना है कि हाउ हीट में बी कन्वर्टेड इन टू वर्क और हाउ वर्क में बी कन्वर्टेड इन टू हीट। बाकी जब डिफाइन की बात आती है तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पे हाईलाइट भी किया हुआ है रेड कलर से, क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एज वेल एज मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। तो ये हमारा मेन फंक्शन है जो हमें यहां डिस्कस करना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक स्टडी, यहां हम लोग मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट लेंगे, माइक्रो यानी मॉलिक्यूल्स रिलेटेड या फाइन पार्टिकल्स रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 11th में नहीं पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस, इट डील्स विद बल्क सिस्टम विदाउट गोइंग इनटू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉलिक्यूल किस तरीके से बने हैं या क्या उनके अंदर है, ये सब हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, हम लोगों को मैक्रोस्कोपिक स्टडीज यहां पे करनी है। ऑन अदर हैंड, हाँ, अब इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स होगा केटी जी, जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो काम हमें थर्मोडायनेमिक्स में नहीं करना वो हमें करना है कहां, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स की जरूरत हम लोगों को होगी, वो टर्म्स हम यहां पहले डिफाइन करना चाहेंगे, उनके बारे में डिस्क्राइब करना चाहेंगे, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम या थर्मोडायनामिकल सिस्टम बेसिकली ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। थर्मोडायनामिक सिस्टम की वैल्यूज जो है, जस्ट लाइक प्रेशर की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू है, ये कैसी रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, एक सर्टेन वैल्यू इनकी होनी चाहिए, तब हम लोग उसको थर्मोडायनामिकल सिस्टम कहेंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम में 3 पैरामीटर हम लोगों को मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो इनके अंदर होने वाले चेंजेस को हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सराउंडिंग्स, जो मॉलिक्यूल्स का सेट हमने लिया, ये ओपन बाउंड्री हो सकता है, क्लोज बाउंड्री हो सकता है, डजंट मैटर,
मान लीजिए ये मैंने एक ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेट ले लिया जिसकी सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर है, सर्टेन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है, सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, इसको मैंने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कहा। अब इस सिस्टम के सराउंडिंग में जो भी कुछ है वो सब मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सराउंडिंग। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम, नो डाउट। ये जो सिस्टम हम लोगों ने कंसिडर किया था इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हो उन सारी चीजों को हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। सराउंडिंग बिल्कुल नियर बाई ही होंगी एज यूजुअल हम लोग जैसा देख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां पे मेरा कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और मैं यहां से 4000 किलोमीटर दूर जाकर के सराउंडिंग की बात करूंगा तो आई थिंक वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यहां जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसमें होने वाले चेंजेस का इफेक्ट यहां से 4000 किलोमीटर अपार्ट मैक्रोस्कोपिक स्टडीज के अंदर नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कोई माइन्यूट इफेक्ट हो तो वो हमें यहां पढ़ना नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक स्टडीज के बारे में हम लोगों को डिस्कशन देता है। तो डियर स्टूडेंट, सराउंडिंग समय में आ गया होगा, इस सिस्टम के चारों तरफ जो भी कुछ है जिसके ऊपर इस सिस्टम का इफेक्ट हो सकता है दैट इज टर्म्ड एज सराउंडिंग्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स डियर स्टूडेंट्स पहले ही मैं बता चुका हूं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हम लोगों ने प्रेशर की बात की, वॉल्यूम की बात की, टेम्परेचर की बात की, तो बेसिकली यही तीन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स भी है। यहां हम किसी एक को कॉन्स्टेंट करते हैं, दो के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, किसी अगले को कॉन्स्टेंट करते हैं, फिर हम लोग तीसरे के बारे में डिस्कशन लेते हैं। तो दीज आर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट, नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों को आपस में इंटररिलेट करने वाली जो इक्वेशन होगी उसे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से जानेंगे। यहां देखिए प्रेशर है, वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है। अब इन तीनों को आपस में इंटरलिंक करना है इसलिए यहां कुछ न कुछ कॉन्स्टेंट मेरे को लेना पड़ा है, दैट इज एन आर, वेयर आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट ईच एंड एवरी वन नोज, एंड एन इज अ प्योर नंबर, कोई भी नंबर ये हो सकता है, डिफरेंट जगह पे इसका डिफरेंट वैल्यू होगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम लोगों को बेसिकली पी वी और आर इन तीनों को आपस में इंटरलिंक करके एक इक्वेशन बनानी होती है, इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा अगर उसका टेम्परेचर कैसा है, कॉन्स्टेंट है। मान लीजिए मैं दो सिस्टम की बात कर लेता हूं, सपोज एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये है, अगर इसका टेम्परेचर टी है और इसका भी टेम्परेचर टी है तो मैं कहूंगा कि ये दोनों ही सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। या अगर किसी एक ही सिस्टम के अंदर ये डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर यहां का टेम्परेचर यहां के टेम्परेचर के बराबर है, यानी ओवरऑल इनसाइड सिस्टम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो आई विल से सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट था डिफरेंट टर्म्स को लेकर के। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और यहां डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की। देखिए थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में सिंपल सा हम लोगों को जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनके डिस्क्राइब करने की बात करनी है। डिस्कशन में हमने क्या दिया है, देखिए ए सिस्टम इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम डिस्क्राइबिंग द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम। देखिए ऊपर जो हम लोगों ने बात की थी वो सिर्फ टेम्परेचर की बात की थी, तो हमने थर्मल इक्विलिब्रियम कहा था, लेकिन अगर मुझे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो उसमें तीनों ही वेरिएबल्स जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसे रहने चाहिए, कॉन्स्टेंट रहने चाहिए। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, स्टेट एंड फॉरवर्ड लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूं कि ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम मे बी टर्म्ड एज इन इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करना चाहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स किसी सिस्टम में काम नहीं कर रहा, किसी सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर से सिस्टम के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स
काम नहीं कर रहा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो सकता है आप लोगों को अजीब लग रहा हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी सिस्टम के अंदर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, अनबैलेंस फोर्स अगर है तो इसका मतलब नेट फोर्स इज नॉट जीरो, और अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है इसका मतलब नेट फोर्स इज जीरो। तो अगर किसी सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है तो हम लोग कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डिफाइन की बात करूं एग्जाम में कैसे लिखना है, तो इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स इन इट्स इंटीरियर और बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, मैंने पहले भी कहा सिस्टम के अंदर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में नेट फोर्स जीरो है, या बाहर से लगने वाला कोई भी फोर्स यहां पे नहीं है, या बाहर से लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा माय सिस्टम और थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है किसी सिस्टम का तो मैं उसे कहूंगा कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब यहां भी थर्मल इक्विलिब्रियम इनसाइड सिस्टम हो सकता है एज वेल एज सिस्टम एंड आउटसाइड हो सकता है, सिस्टम का टेम्परेचर और आउटसाइड का टेम्परेचर अगर सेम है तो मैं कहूंगा माय सराउंडिंग्स एंड माय थर्मोडायनेमिकल सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और अगर मैं सिस्टम के अंदर ही बात कर रहा हूं यहां टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो मैं कहूंगा माई सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करना चाहें केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो देखिए सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर सराउंडिंग दोनों के बीच में, या तो सिर्फ अंदर या तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी वन साइड हो रही है उतनी ही रिवर्स हो रही है, तो हम लोग उसे कहेंगे माय थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। डिफाइन कैसे लिखनी है, द सिस्टम डज नॉट अंडरगो एनी स्पॉन्टेनियस चेंज इन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन और डिफ्यूजन इज टर्म्ड एज सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम के अंदर कोई स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं हो रहा, किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से या केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो हम लोग कहेंगे कि आवर सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। Dear students, now we are moving our next concept, that is zeroth law of thermodynamics. Zeroth law हम लोगों ने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये first law के बाद आया। Dear students, zeroth law बड़ा simple सा law है, thermal equilibrium को describe करता है, temperature को describe करता है, temperature को define करता है। Temperature की define की अगर हम बात करते हैं तो वो zeroth law से ही possible है। Dear students, है क्या, समझिए, देखिए यहां हमने तीन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ले रखे हैं, पहला ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, दूसरा बी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, तीसरा सी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर सिस्टम ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिंपल सी बात है, ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर है और साथ साथ सी का टेम्परेचर बी के बराबर है, यानी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम सी एज वेल एज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग कह सकते हैं या जीरोथ लॉ कह सकता है कि सिस्टम ए एंड सिस्टम बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं थर्मल इक्विलिब्रियम को बीच में लेते हुए टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे दिया है, तो बेसिकली जीरोथ लॉ जो है वो टेम्परेचर को रीडिफाइन करता है। हम लोगों ने टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस तो पीछे पड़ रखा है, लेकिन उसकी और एक अच्छी सी डेफिनेशन हम लोगों को कहां से मिलती है, जीरोथ लॉ से मिलती है, थर्मल इक्विलिब्रियम से मिलती है। यहां डियर स्टूडेंट दो चीजें और आपको दिख रही होंगी, नंबर वन एडियाबेटिक वॉल, वॉल का मतलब दीवार, बेसिकली एडियाबेटिक वॉल्स उन वॉल्स को कहते हैं जिनके अंदर से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरी तरफ डाई एथर्मिक, मैंने इसको थोड़ा सा
ब्रेकअप करके लिख दिया है। देखिए डाई भी नेगेटिव वर्ड है और यहां पे ए भी नेगेटिव वर्ड है, तीनों आपस में मिलकर के बने हैं, तो डाई और ए दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। मैं इसको सिर्फ थर्मिक जान सकता हूं, थर्मिक की हेल्प से समझ सकता हूं। एक ऐसी दीवार, एक ऐसी वॉल जिसके अंदर से हीट एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, क्या कहलाती है? डायथर्मिक वॉल कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां सिंपल सा मैं ये कहूंगा, जो एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं, इनके अंदर से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये इंसुलेटर हैं, परफेक्टली इंसुलेटर हैं, हीट की हीट को ट्रांसफर नहीं होने देंगी। जबकि जो डायथर्मिक वॉल्स हैं, वो डायथर्मिक वॉल्स परफेक्टली कंडक्टर हैं, ये हीट को ट्रांसफर होने से नहीं रोकेंगी, अपने अंदर से हीट को इजीली ट्रांसफर होने देंगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, डायथर्मिक में आप लोग सिल्वर चांदी की बात कर सकते हैं, चांदी की कोई वॉल आपने ले ली, दीवार बना दी, तो वो इजीली हीट एनर्जी को अपने अंदर से ट्रांसफर होने दे सकती है। जबकि अगर मैं बात करता हूं एडियाबेटिक वॉल्स की, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं वुड ले सकता हूं, माइका ले सकता हूं, सिलिका ले सकता हूं, ये एडियाबेटिक वॉल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनके अंदर से हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, जीरोथ लॉ आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको हम लोगों ने यहां डिफाइन कैसे किया है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ये जरा हम समझेंगे। इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ए और बी, जैसा मैंने समझाया, ए और बी दोनों ही सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी ए सी के साथ में है और सी बी के साथ में है, तो ऐसी स्थिति में ए और बी जो होंगे, बेशक इनके बीच में एडियाबेटिक वॉल लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ये कैसे होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी ए का टेम्परेचर वही होगा जो कि बी का है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमने यहां पे समझा। अब यहीं से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का, जीरोथ लॉ का। तो ये क्या कहता है समझिए, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल सिस्टम्स विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रहती है उन सिस्टमों के लिए जो कि आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक नई डेफिनेशन है या रीडिफाइन है टेम्परेचर की। इवन दैट अब आपको पता होगा कि टेम्परेचर जो है वो एसआईयू सिस्टम के फंडामेंटल्स 7 फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आता है, ये बात आप लोगों को पता होगी। इसको हम लोग केल्विन से मेजर करते हैं और जनरली थीटा से या कैपिटल में थीटा से इसको डिनोट करते हैं। आगे हम लोगों ने यहां पे मेंशन भी किया है, नाउ रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ एंड टाइम। टेम्परेचर को हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर प्लेस किया हुआ है। किसके अंदर? एसआई यूनिट सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, सम मोर थिंग्स मैं यहां बात करना चाहूंगा, हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में एंड वर्क डन के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहां डिस्कस करें इंटरनल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, आज की ही क्लास में शुरुआत हम लोगों ने यही सीखी थी, इंटरनल एनर्जी क्या है। देखिए समझिए, किसी भी सिस्टम की, सिस्टम अगेन बोले तो इस सेट ऑफ यूज मॉलिक्यूल्स, इट मे बी ओपन बाउंड्रीज और क्लोज बाउंड्रीज, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर काइनेटिक एनर्जी भी तीन तरह की हो सकती है, क्या? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन चारों के सम को मैं क्या कहता हूं डियर स्टूडेंट्स? इंटरनल एनर्जी कहता हूं। और इंटरनल एनर्जी को जनरली हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है तो डी यू से इसको डिनोट करेंगे, दैट इज नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्मॉल में लिखना है डी यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑल्सो समवन मे राइट हियर डेल्टा यू। डियर स्टूडेंट्स, अब इंटरनल एनर्जी की बात चली है तो जरा आइडियल गैसेस के बारे में भी बात कर लें। देखिए जो आइडियल गैस होती है उनकी खासियत क्या है? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स काम नहीं करता, नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अल्टीमेटली
जब कोई भी फोर्स काम नहीं करता इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यानी जो इंटरनल एनर्जी है वो प्योरली काइनेटिक होगी। क्या होगी? प्योरली काइनेटिक होगी। इस बात को हम लोगों ने इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया है, लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, ये कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक इन नेचर। In an ideal gas, there is no molecular force of attraction, so the gas does not cause any intermolecular potential energy. Dear students, ये बातें हम लोगों को discuss करनी थी heat के बारे में, internal energy के बारे में। अब जरा हम लोग heat और work को differentiate करने की बात करेंगे। चीज तो interconvertible है, हीट को वर्क में और वर्क को हीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ भी यही रहे हैं कि हाउ हीट मे बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड हाउ वर्क मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जरा ये भी तो हम लोग जानने की कोशिश करें। बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, डायरेक्टली सीबीएसई में आप लोगों से बहुत कम डिस्कस होती है, जस्ट लाइक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है, तब तक हम लोग कैसे इनके इंटरकन्वर्जन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, पहले सिमिलरिटी बता देता हूं। हीट वही डायमेंशन रखता है जो वर्क रखता है, वर्क वही डायमेंशन रखता है जो हीट रखता है। हीट की यूनिट एसआई सिस्टम में जूल होती है, वर्क की भी एसआई सिस्टम में यूनिट जूल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिमिलरिटी हो गई, लेकिन अब इनमें फर्क क्या है, फर्क समझिए। मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहां, हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एक जगह से दूसरी जगह पर हीट एनर्जी ट्रांसफर क्यों होती है? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। अगर इन दोनों का टेम्परेचर फर्क है बॉडीज का, तो ही हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जबकि वर्क डन में ऐसा नहीं है। वर्क डन में टेम्परेचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वर्क डन हो सकता है, किया जा सकता है, मिल सकता है बॉडीज का टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। यहां ये भी समझना जरूरी है, ऑलवेज हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो डिस्टेंस, इस चीज को हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वर्क भी क्या है, वो भी एनर्जी का ट्रांसफर है, लेकिन जिसमें टेम्परेचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑर नॉट? तो डियर स्टूडेंट्स, हीट और वर्क के अंदर जो खास अंतर है, जो मेन डिफरेंस है, वो हम लोगों ने यहां डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन की भी बात हम लोगों को यहां पे करनी होगी। अब ये साइन कन्वेंशन कहां से आ गया? अरे भाई, कभी तो आप सिस्टम को हीट एनर्जी दोगे, कभी सिस्टम से हीट एनर्जी लोगे, कभी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करोगे, कभी सिस्टम से वर्क डन लोगे, कभी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधे सीधे से करस्पॉन्ड टू इंटरनल एनर्जी राइज होने का ज्यादातर केसेस में मीनिंग, मैंने फिर कहा, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर केसेस में मीनिंग इंटरनल एनर्जी बढ़ने का टेम्परेचर बढ़ने से ही होता है। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, तीन पैरामीटर्स की बात हम लोगों ने की, किसके बारे में बात की, हीट के बारे में बात की, वर्क के बारे में बात की, और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की। तो इनका साइन कन्वेंशन क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, यहां हम लोग जब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, यहां का मतलब इन फिजिक्स सिस्टम ओरिएंटेड करते हैं, केमिस्ट्री में इसका उल्टा हो सकता है, आप अपने केमिस्ट्री वाले सबसे एक बार कंफर्म कीजिएगा, लेकिन फिजिक्स का जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि केमिस्ट्री वाले सर ने तो ये बताया था, फिजिक्स वाले सर तो ऐसा बता रहे हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं क्या? अरे भैया, वो अलग है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हमारी कोई लड़ाई केमिस्ट्री वाले सर या मैडम से नहीं है,
हमारा साइन कन्वेंशन हमारा है, उनका उनका है, देख लीजिए हो सकता है एक जैसा हो जाए, वैसे एक जैसा होता नहीं है। चलिए स्टूडेंट साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां सिस्टम को ओरिएंट करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास सिस्टम है, अब ये क्या कहता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं, सिस्टम हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, हीट एनर्जी को, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव साइन हम लोग देंगे। इफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इट इज पॉजिटिव। देखिए नोट्स की फॉर्म में मैंने बिल्कुल क्लियर करके यहां पे मेंशन किया हुआ है, आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में ये नोट्स बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं समझने के लिए, यहां पे समझ लीजिए। चलिए अब वर्क डन की बात करें, वर्क डन बाय द सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स अब ये वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे होगा ये जरा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम में यहां पर ये स्किन टाइट कोई फ्रिक्शन लेस पिस्टन मैंने लगा रखा है, जस्ट लाइक सिरिंज। आप कई बार जब डॉक्टर के पास जाते हो वो इंजेक्शन लगाता है तो सिरिंज होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट मान लीजिए, स्किन टाइट फ्रिक्शन लेस सिलेंडर, इसके अंदर मेरा ये सिस्टम है। अब सिस्टम में किसी भी तरह से कुछ भी हुआ और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ, जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा तो निश्चित सी बात है मैं इससे कुछ भी अपना काम करा सकता हूं। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर अपना कोई सामान रख दिया तो उसको अपलिफ्ट कर सकता हूं, तो मैंने अपना काम करा लिया, किससे, सिस्टम, सिस्टम ने वर्क डन किया, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टर्म्ड पॉजिटिव। तो जो भी वर्क डन सिस्टम से मुझे मिलेगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑर नॉट। अब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगेन मैं वही डायग्राम ले लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई सिस्टम है, अब इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज करता है, सीधे सीधे भाषा में, या इसकी इंटरनल एनर्जी राइज करती है किसी भी तरह से, तो ऐसी स्थिति में मैं इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, यही मैंने यहां लिखा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है, इसका वाइस वर्सा आप लोग अपने आप से बना ही लेंगे, मुझे कहने की आई थिंक जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको टाइम खराब करना ही है तो मैं कर देता हूं, क्या, अगर कोई सिस्टम हीट एनर्जी इवॉल्व कर रहा है बाहर निकाल रहा है तो नेगेटिव, अगर किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन हम लोग कर रहे हैं तो नेगेटिव, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो नेगेटिव, सिंपल, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो दैट इज नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हमारे हो गए किसको लेकर के, साइन कन्वेंशन को लेकर के। अब यहां एक बात मैं और समझा दूं डियर स्टूडेंट्स, जब मैं यहां वर्क डन की बात कर रहा हूं तो इस वर्क डन को जरा देखें, वैसे तो आगे हमें पढ़ना ही है लेकिन फिर भी यही देख लेते हैं जरा क्या है, समझिए। देखिए मैंने पहले भी एक बार बताया होगा आपको, वर्क डन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब dx क्या है, dx है मान लीजिए ये मेरे पास पिस्टन जो है यहां dx शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, फोर्स। अब फोर्स को मैं लिख सकता हूं क्या, प्रेशर इनटू एरिया। डियर स्टूडेंट्स प्रेशर क्या है, इसके अंदर का प्रेशर है जो भी कुछ है, एरिया क्या है, इसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉल्यूम, वो सॉरी मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट, क्या बन गया, ये बन गया जी वर्क डन। वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, आल्सो यू मेरे प्रेशर डीवी, डीवी इज हियर चेंज इन वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए जरा जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम होगा या नहीं होगा, वही चेंज इन वॉल्यूम मैंने यहां पर लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स वर्क डन इक्वल्स टू पी इंटू डीवी मेरे को मिल गया, वर्क डन क्या मिल गया, पी इंटू डीवी मिल गया, तो कहीं ना कहीं मुझे वर्क डन मिल गया चेंज इन वॉल्यूम के टर्म्स में। अब मैंने यहां पे कहा था वर्क डन को पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कब होगा, जब मेरा डीवी पॉजिटिव हो, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो कैसा हो, ज्यादा हो, फाइनल वॉल्यूम मेरा ज्यादा हो, इनिशियल वॉल्यूम कम हो, कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट, ये बात ध्यान रखनी है। अरे भैया मैं कंपेरिजन कर रहा हूं वर्क डन और वॉल्यूम को लेकर के, तो प्रेशर को तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, अगर मैं कांस्टेंट को प्रेशर नहीं रखूंगा तो वर्क डन और
वॉल्यूम के बीच में कंपैरिजन मैं कर ही नहीं सकता भैया, मुझे तो दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना है तो तीसरी को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, ऐसा मैंने पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो सिस्टम वर्क डन कर रहा है, या मैं वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या लेता हूं यहां पे पॉजिटिव लेता हूं, ऐसा साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को यहां पे डिस्कस किया है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले इसको एक बार देख लीजिए, ग्रेस कर लीजिए, बड़े काम की चीज है, एक जगह भी मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक होती चली जाएगी। Let us move forward, dear students. Indicator diagram. नाम से पता लग रहा है। Indicator यानी indicate करने वाला। Diagram कोई भी graph होगा। Simple सा। देखिए dear students, ये indicator diagram क्या है? कैसे हम लोग इसको बनाएंगे? कैसे हम लोग इसके बारे में studies करेंगे? बड़ा आसान सा concept है। देखते हैं। अभी मैंने आपको thermodynamical equation के बारे में बताया था और कहा था PV equals to what N R T। डियर स्टूडेंट्स, एन आर तो कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं। अब अगर मैं कोई भी ग्राफ प्लॉट करता हूं स्पेशली पी और वी के बीच में कीपिंग टी कांस्टेंट, तो उस ग्राफ को मैं पीवी इंडिकेटर डायग्राम कहूंगा। क्या कहूंगा? पीवी इंडिकेटर डायग्राम। अब मेरा कोई और भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या हो सकता है? मैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम बनाऊं या ग्राफ बनाऊं वी को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये कहलाएगा पीटी इंडिकेटर डायग्राम। तीसरा भी हो सकता है, क्या मैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं और प्रेशर को यहां पर कॉन्स्टेंट रखता हूं, तो यह मेरा कहलाएगा वॉल्यूम टेम्परेचर इंडिकेटर डायग्राम। डिस्टेंस नॉर्मली जब हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं तो हमारा इंडिकेशन पीवी इंडिकेटर डायग्राम से ही होता है, यानी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसी को हम लोग इंडिकेटर डायग्राम जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हम लोगों ने यहां पे एक्सप्लेन की हुई है। स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब इफ ओनली टू थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स आर नोन बिकॉज थर्ड वेरिएबल गेट्स ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। मैंने तीनों केस बताया, यहां टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बताया, यहां वॉल्यूम कॉन्स्टेंट बताया, यहां प्रेशर को कॉन्स्टेंट मैंने डिस्कस किया। तो आई होप सो इंडिकेटर डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल केस में हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम डिस्कस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। डिफाइन, गलती से कभी एग्जाम में आ जाए तो आप दे सकते हैं, ए ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस अंडर थर्मोडायनेमिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड पीवी इंडिकेटर डायग्राम कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ऐसा आप लोगों को और लिख लेना चाहिए। ये डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और देखिए इससे क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वॉल्यूम लिया है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्रेशर लिया है। दो इवेंट्स को हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, दैट इज इवेंट ए एंड दैट इज इवेंट बी। इवेंट ए पर प्रेशर की वैल्यू पी वन, वॉल्यूम की वैल्यू V2, इवेंट टू पर या इवेंट बी पर प्रेशर की वैल्यू P2 और वॉल्यूम की वैल्यू V2। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरे को यहां लिख देना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या देखता हूं मैं, जब मैं A से B पे जा रहा हूं तो नो डाउट मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी दो मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है लेकिन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो वर्क डन मेरा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा,
जब तक मेरे को टेम्परेचर के बारे में नहीं पता कि वर्क डन हो रहा है या करना पड़ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि यहां एक्सपेंशन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे फाइनल वॉल्यूम मेरा ज्यादा है तो मैं कहता हूं एक्सपेंशन हो रहा है और मैंने डायरेक्शन जो है वो ये लगा दी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका बिल्कुल कन्वर्स मैं ले सकता हूं। मैं फर्स्ट इवेंट ये कंसिडर करता हूं, सेकेंड इवेंट ये कंसिडर करता हूं, तो ऐसी स्थिति में जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो मैं इसे कंप्रेशन कह सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि जब मेरा एक्सपेंशन हो रहा था तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज पीवी इंडिकेटर डायग्राम मेरे को मिल रहा था, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब मेरा कंप्रेशन हो रहा है तो मेरे को कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ही आपका रहना चाहिए। अगर आपने रोट मेमोरी में डाल करके एक्स एक्सिस पे कभी गलती से प्रेशर लिख दिया तो जो भी मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया वो सारा उल्टा हो जाएगा। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। तो कंप्रेशन मेरा कैसा हो गया डियर स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज हो गया, और एक्सपेंशन मेरा कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये बात आई थिंक आप लोगों को समय में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट आता है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के अंदर वर्क डन। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट मैं अब भी आपको दो मिनट पहले करा के चुका हूं, जरा देखेंगे इस कॉन्सेप्ट में क्या हम लोगों को नया मिलता है। देखिए वही डायग्राम, इस डायग्राम में पिस्टन मेरा ऊपर आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया। वर्डन की बात की तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मैंने प्रेशर इंटू एरिया में रिप्लेस कर दिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए इंटू डीएक्स, इसको लिखा था मैंने डीवी। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, जैसा मैंने पहले बताया था वही चीज यहां पर लिख के दिखा रखी है। डायग्राम मैं और दोबारा से बेटर दे देता हूं, अपनी तरफ से तो मैंने बनाया ही था लेकिन यहां पे नोट्स में इसलिए रखा है कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, बाद में भी आप लोग इन चीजों को देख लें। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इस डायग्राम को, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें नो डाउट ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये मेरा यहां पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसके अंदर प्रेशर पी है। इस तरह से वर्क डन का कॉन्सेप्ट हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो देखिए मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। अब इस यूनिफॉर्म चेंज में अगर हम लोग देखेंगे तो इंटीग्रेशन मेरा बड़े आराम से काम करेगा। वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू की वैल्यू डली पीडीवी, यहां पे वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की लिमिट्स डालूंगा, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। तो डियर स्टूडेंट्स, इट मे बी रिटन एज पी फाइनल लिमिट दैट इज वी टू माइनस इनिशियल लिमिट वी वन। ये मेरा कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स मिल गया। अब देखिए इस वर्क डन के प्रोसेस पर पीवी इंडिकेटर डायग्राम के बेसिस पर हम लोग प्रोसेसेस को फिर दोबारा से क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहला प्रोसेस आता है नॉन साइक्लिक, ऐसा प्रोसेस जो सारी स्टेट्स को क्रॉस करते हुए अपनी फाइनल स्टेट में वापस नहीं लौटता, नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। अपनी सारी स्टेट्स को कंप्लीट करते हुए अगर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पैरामीटर्स P1 A1 थे, P1 V1 थे, यहां P2 V2 है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल डिफर है, तो मैं इस तरह के प्रोसेस को नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहूंगा। हमने यहां डिफाइन में दे रखा है डज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, इज टर्म्ड एज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा है, ये जो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है इस ग्राफ के अंदर पीवी इंडिकेटर डायग्राम के अंदर, इसी को मैं यहां वर्क डन कह सकता हूं, बिकॉज ऑफ मुझे ये बात अच्छे से पता है कि वर्क डन जो है वो मेरा पी इंटू डीवी होता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एरिया, क्यों एरिया, बिकॉज ऑफ इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो एरिया अंडर दिस पीवी इंडिकेटर डायग्राम विल गिव अस
व्हाट वर्क डन। डियर स्टूडेंट ध्यान रहे, ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम है नंबर वन, नंबर टू नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। इसी चीज को यहां आगे मेंशन भी कर रखा है हमने, देखते हैं जरा। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोगों ने यहां पे मेंशन कर रखा है। ये एक्सपेंशन की बात अगर हम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव वर्कडन होगा, क्लॉकवाइज होगा, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं। अगर मैं कंप्रेशन की बात करूंगा तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस, अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है, बेसिकली ऐसा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों कैसी हो, सेम हो। स्टूडेंट्स ये देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस दैट इज हियर, ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन की बात। अदरा इसको हम लोग और थोड़े से देखते हैं, ये सब शुरुआत है चैप्टर की, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम लोगों को आगे टॉपिक्स को पढ़ना है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आगे वाले टॉपिक परेशान करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हर टॉपिक को बिल्कुल सीक्वेंस में आपने करना है, कोई भी स्किप नहीं करना, कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम रिवीजन के समय आप कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, एनी प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। ए से चला जाने का तरीका एक्स के थ्रू वाई के थ्रू वापस ए पे आ सकता है, या ए से चला वाई के थ्रू बी पे गया फिर एक्स के थ्रू ए पे आया। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में ए से एक्स पाथ के थ्रू बी पे जा रहा है और फिर बी से वाई पाथ के थ्रू ए पे आ रहा है। डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो देखिए नीचे मेरा वॉल्यूम है, जो मेरा ए एक्स बी वाला पाथ है, इस ए एक्स बी वाले पाथ में एक्सपेंशन हो रहा है, और जब ये एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन यहां पर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मैं अगर ए एक्स बी पाथ में टोटल वर्क डन की बात करता हूं तो ये टोटल एरिया मेरा आ जाएगा, और ये टोटल एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब डियर स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस सेम थिंग, लेकिन पाथ चेंज हो गया, अब वो बी से वाई के थ्रू ए पे आता है। इस प्रोसेस में अगर देखें तो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो विद नेगेटिव साइन आपका वर्क डन आएगा, और नेगेटिव साइन वर्क डन जो है वो कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन वाला शेडेड एरिया है इसके थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है, दैट इज हियर। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो रेड वाला एरिया था वो पॉजिटिव था, जो ग्रीन वाला एरिया है वो नेगेटिव है। तो मैं अगर यहां नेट एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, नेट एरिया की बात करूं, तो नेट एरिया मेरे को ये वाला मिलता है जो ब्लू से शेड मैंने अभी किया है, या पहले से पिंक से शेड है। डियर स्टूडेंट्स यहां पॉजिटिव वाला कंपैरेटिवली बड़ा है, नेगेटिव वाला कंपैरेटिवली छोटा है, तो ऐसी स्थिति में जो नेट वर्क डन आएगा या नेट एरिया जो मेरा रिप्रेजेंट करेगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर किस तरह से वर्क डन को कैलकुलेट कर सकता हूं अंडर इंफ्लुएंस ऑफ ग्राफ मैंने यहां पर सीखने की कोशिश की। तो ये जो ब्लू वाला शेडेड पोर्शन है या जो डार्क पिंक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को वर्क डन यहां पे देगा, और इस पर्टिकुलर केस में ये पॉजिटिव मेरे को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन की बात मैंने यहां पे सारी समझा रखी है, कंप्रेशन में मेरा क्या होगा और एक्सपेंशन में क्या होगा, नेट वर्क डन मेरा कैसा होगा, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डब्ल्यू वन बड़ा होगा डब्ल्यू टू छोटा होगा जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पे अभी डिक्टेट किए हैं समझाई है वही सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप लोग इन नोट्स के थ्रू भी बड़े आराम से एग्जाम में कैसे लिखना है ये सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स एज यूजुअल किसी भी क्लास के एंड में जाकर के हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं, वो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे करना चाहेंगे, पीवी इंडिकेटर डायग्राम के ऊपर ही है, आसान सा है, जरा देखते हैं क्या कहता है ये। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी सी नीड है तो समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम हम लोग नहीं देखते, अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। द पीवी डायग्राम फिगर फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज ए ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन इन ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स उसने बिगिनिंग में ही कह रखा है कि डायग्राम दे रखा है,
तो हम उसी के डायग्राम को यूज कर लेंगे। अब पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, जब उसने दे रखा है कि बिना डायग्राम के काम चलेगा नहीं तो फिर उसी का यूज करेंगे। हियर ए बी एंड सी आर 4 1 2 4 2 1, द कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्डर पी वी, यानी पहला कोऑर्डिनेट जो है वो पी को डिनोट करेगा। पहला कोऑर्डिनेट ये पी है, ये पी है और ये पी है। दूसरा कोऑर्डिनेट वी को डिनोट करेगा, वॉल्यूम को डिनोट करेगा, ऐसा उसने यहां में बता रखा है क्वेश्चन के अंदर। प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई सिस्टम में है, एंड वॉल्यूम इज इन लीटर। अब देखिए ये एसआई में नहीं है, तो जरूरत होगी तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एसआई सिस्टम में। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट करना है हमें वर्क डन। यहां पास देना बहुत जरूरी है जो उसने दे रखा है। द प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी पे गया है, फिर बी से सी पे गया है और फिर सी से ए पे आया है। ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल, आपको पहले तो ये तीन वर्क डन निकालने हैं, ए से बी का वर्क डन निकालना है, बी से सी का वर्क डन निकालना है और फिर सी से ए का वर्क डन निकालना है, फिर आपको नेट वर्क डन निकालना है। इतना काम करना है डियर स्टूडेंट्स। देखो फिलोसफी तो बड़ी आसान सी है क्वेश्चन की, क्या होता है वर्क डन इक्वल्स टू पी इंटू डीवी होता है। अब पीवी इंडिकेटर डायग्राम है तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होने वाले डायग्राम में जो यहां पे एरिया कवर्ड होगा वही मेरा वर्क डन को देगा। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना मुझे, सिंपल साइन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखते हुए वर्क डन की बात करनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, कितना आसान सा काम है, समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये डायग्राम हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और इसी डायग्राम के बेसिस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन तो आगे हमने दे रखा है, उसको हम अभी नहीं देखते, हम लोग पहले वर्क डन की बात करते हैं। डायरेक्शन पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ए टू बी, ए से और बी पे मेरे गया, बाकी से मुझे कुछ नहीं लेना देना। देखिए ए पे जो वॉल्यूम है वो 4 है और बी पे जो वॉल्यूम है वो सॉरी जस्ट अ मिनट ए एक्स कोऑर्डिनेट पे, यहां कोऑर्डिनेट्स जो है वो कहीं ना कहीं डायग्राम के अंदर गलत लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं रुक गया। तो आप इनको सही कर लेंगे, अब सॉल्यूशन में मुझे नहीं पता उसने क्या कर रखा है, लेकिन मैं डायग्राम की बात कर रहा हूं। तो देखिए जब हम लिखते हैं तो एक्स वाई इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, यहां एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और जब वॉल्यूम है तो देखिए 4 से 2 हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पे ये 1 दिखा रहा है, यहां पे ये दिखा रहा है, तो मुझे इन कोऑर्डिनेट्स को सही कर लेना चाहिए। बाकी सॉल्यूशन एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करें, समझ लें सॉल्यूशन एक अलग की बात है। ए के कोऑर्डिनेट मेरे अकॉर्डिंग यहां पर होने चाहिए 1 4 और बी के कोऑर्डिनेट मेरे अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए 4 2 और सी के कोऑर्डिनेट मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए 1 एंड 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप लोग, अब हो सकता है डायग्राम भी गलत हो, हमने ऊपर ध्यान नहीं किया, एक बार देख ही लें ऊपर, एक बार देख लेते हैं कि सिर्फ डायग्राम पे ही गलत है या ऊपर भी उसने ऐसे ही रखे हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स उसने ऊपर भी ऐसे ही दे रखे हैं, एक एक कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हैं 4 एंड 1, तो प्रेशर पहले है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में भी उसने ऐसे ही कह रखा है कि पहले प्रेशर है और फिर वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहां अकॉर्डिंग टू डायग्राम मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है उस तरह से उसने कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग है डियर स्टूडेंट, नॉट टू बी कंफ्यूज, हम किसी को ले लेते हैं जैसा उसने कहा है। प्रेशर मेरा इनिशियल 4 है, फाइनल 2 है,
ए के लिए 41, बी के लिए 24 और प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई और यहाँ पे 2 हो गई, वॉल्यूम की वैल्यू 1 और 4 हो गई। चलो भाई मैं जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसको कंसीडरेशन में ना लेकर के इसी क्वेश्चन को कंसीडरेशन में लेता हूं और इसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करता हूं, शायद सॉल्यूशन भी इसी के अकॉर्डिंग ही दे रखा होगा, तो नॉट यू वरी। नॉर्मल कोऑर्डिनेट जो हम लिखते हैं एक्स एंड वाई, वैसे आप छोड़ दीजिए जैसे इसमें ले रखे हैं वो देख लीजिए। पहला कोऑर्डिनेट प्रेशर के लिए है, दूसरा वॉल्यूम के लिए है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पी वन वी वन, इसको लिखूंगा पी टू वी टू और इसको लिखूंगा पी थ्री वी थ्री। डियर स्टूडेंट्स अब मैं देख सकता हूं कि वॉल्यूम वन यहां पे वन है और वॉल्यूम टू फोर है, तो एक्सपेंसर हो रहा है, एक्सपेंसर हो रहा है तो पॉजिटिव वर्कडन होगा और वर्कडन कितना होगा ए से लेकर के बी पे पहुंचने का वर्कडन, ये पूरा शेडेड पोर्शन होगा जो मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया। अब ये एरिया निकालने के लिए आपको एक तो नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा और दूसरा ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। या आप कह सकते हैं कि ए से बी तक पहुंचने में ये जो ट्रेपेजियम है ए बी डी ई सी ए, इस ट्रेपेजियम का एरिया आपने देना है और चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए ए टू बी का जो वर्कडन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पहली बात। अब जरा दूसरी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बात हम करते हैं बी टू सी। जब बी टू सी की बात करते हैं तो यहां पे देखिए प्रेशर 4 है, वो सॉरी वॉल्यूम 4 है और यहां वॉल्यूम 1 है, इसका मतलब कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ तो ये नेगेटिव वर्कडन होगा और नेगेटिव वर्कडन कितना होगा, नेगेटिव वर्कडन होगा एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल। गेटिंग द कॉन्सेप्ट नॉट, ये एरिया आप ब्लू वाला शेडेड वाला निकालेंगे। अब बात आती है आप लोगों की कहां से कहां तक, डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों का आता है सी टू ए, सी टू ए। अब सी टू ए में अगर आप देखते हैं तो देखिए यहां पर भी वॉल्यूम वन है और यहां पे भी वॉल्यूम वन है, इसका मतलब देर इज नो कंप्रेशन नो एक्सपेंशन, इट मीन्स वर्कडन इज जीरो हियर। सी टू ए में कोई वर्कडन नहीं होगा, कोई एरिया कवर नहीं हो रहा, दैट इज जीरो। अब डियर स्टूडेंट्स नेट वर्कडन की बात हम लोग करें तो नेट वर्कडन के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे को देना होगा, क्या जो मेरा बड़ा एरिया है ए टू बी वाला बड़ा एरिया है, बी टू सी वाला छोटा एरिया है, तो मैं ए टू बी में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, बी टू सी को। सब्ट्रैक्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करता हूं तो मुझे क्या करना है, एड करना है दोनों को, एड करना है, बी टू सी मेरा पहले से ही नेगेटिव साइन लिए हुए है तो ये एडिशन विद नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा। इस तरह से ये जो मेरे पास येलो वाला शेडेड पोर्शन है ये मेरे को नेट वर्क डन दे देगा। डियर स्टूडेंट्स अब बात रहती है किसके बारे में, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम की, तो चेंज इन वॉल्यूम आपने कैसे निकालना है, चेंज इन प्रेशर आपने कैसे निकालना है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है। तो जो नॉर्मल एक्सआई कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं वो मैं नहीं ले रहा है यहां पे, बिल्कुल इग्नोर कर दे रहा हूं उन चीज को, जो मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसी को मैं एक्सप्लेन कर दिया। तो अब गलत सही हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे ये क्वेश्चन था और इसी को हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। चलिए डियर स्टूडेंट्स अब बात आती है इन एरियाज को निकालने के लिए। देखिए अगर मैं बात करना चाहूं इस ट्रायंगल के एरिया की तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस, बेस मेरे पास ये है, जब इस बेस की बात करूंगा तो 1 से लेकर के 4 तक मेरा जा रहा है, इसका मतलब 4-1 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट मेरे पास ये होगा, हाइट मेरा 4 और 2 के बीच में है तो दैट इज 4-2, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इस तरह से ये मेरे को मिल जाएगा 1/2, 4-1 3 और 4-2 2, दैट इज 3। तो ये 3 यूनिट्स मैं इसको कह सकता हूं या फिर मैं इसको कहूंगा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लीटर। अब ये नई यूनिट हमने वर्कडन की निकाल के दे दी,
तो डियर स्टूडेंट्स यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिप्नोटाइज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस लीटर को एसआई सिस्टम में यानी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके इसको सीधे सीधे जूल में लिख सकते हैं आंसर को, और अगर चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो जैसे मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाल के आपको दिखाया कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग इस पूरे ट्रेपेजियम का निकाल सकते हैं। चलो कर ही देते हैं। जो ब्लू वाला शेडेड पोर्शन है इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ की मैं बात करता हूं तो लेंथ यहां कितना हो गया 1 से लेकर के 4 के बीच में यानी 4-1। दूसरा हाइट मेरे पास ये होगा दैट इज 2-0, दैट इज 2-0, तो ये हो गया 3 × 2 = 6। तो ये 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू लीटर, ये मेरे पास एरिया आ गया किसका, जो मेरा ब्लू शेडेड पोर्शन है नीचे का यानी बी से लेकर के सी तक का। अब आपने क्या करना है, टोटल निकालना है या ए से लेकर के बी तक का निकालना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ट्रायंगल को और रेक्टेंगल को, तो आपका एरिया आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो इट्स एनफ फॉर टुडे। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कीप सेफ, बी सेफ।